न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया का वीजा अगर आपको अप्लाई करना है तो उन्होंने अपनी साफ साफ एक आप मेरी स्क्रीन पर वीजा देख रहे हो, ये जो वीजा है ये चेक रिपब्लिक का वीजा आया है कि सर हम इस बार टैक्स भर दें। भाई मैंने एक वीडियो बनाया था, सो गाइज वेलकम बैक टू द चैनल। सो भाइयों यार, सबसे पहले तो मेरी आप लोगों से हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है कि अगर अभी तक किसी ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ यार, यहाँ रेड कलर का सब्सक्राइब बटन होगा, प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। आप लोगों के लिए बहुत इन्फॉर्मेटिव वीडियो मैं लेके आने वाला हूँ, और वीडियो नहीं आ पा रही है उसके लिए मैं माफ़ी चाहता हूँ, क्योंकि इतना ज़्यादा मेरे पर काम का मतलब बोझ है कि मैं आपको बता नहीं सकता। मतलब मैं एक दिन में 5-5 वीज़े अप्लाई करता हूँ तो बहुत ज़्यादा, और दूसरी बात है तो वीडियो बनाने का टाइम ही नहीं मिलता मेरे पास। तो फिर भी मैंने आज जितने भी लोगों के पिछले 4 दिन में वीज़े आए मैं फिर से लेके आ गया हूँ, तो डेली अब 3 से 4 रिजल्ट आ जाते हैं, और एक हमारे पास ना एक रिफ्यूजल आई है ऑस्ट्रेलिया की, ये भी मैं आपको डिस्कस करूँगा कि ये गलती आप लोग ना करें। तो ये रिफ्यूजल किसी बंदे की है और बहुत स्ट्रॉन्ग प्रोफाइल थी यार, एक छोटी सी गलती सारा काम ख़राब कर दिया, ठीक है। उसके बाद ये देख लो भाई, ये फिर से न्यूजीलैंड के वीज़े और ऑस्ट्रेलिया के वीज़े आए, मैं दिखा देता हूँ आपको, ये 3 न्यूजीलैंड के वीज़े आप लोग देख सकते हो, ये 3 न्यूजीलैंड के वीज़े हैं, और एक आप मेरी स्क्रीन पर वीज़ा देख रहे हो, ये जो वीज़ा है ये चेक रिपब्लिक का वीज़ा आया है, ये भी किसी बंदे का जो मैंने वीज़ा अप्लाई किया था, मात्र 2500 रुपये लिया था इस बंदे से मैंने, ये तब की बात है जब मैं 2500 रुपये फ़ीस चार्ज करता था, हालांकि अभी भी ज़्यादा नहीं है, 5000 रुपये फ़ीस चार्ज करता हूँ, आपको पता ही है, बोलना नहीं चाहिए लेकिन मैं फिर भी बोल देता हूँ, क्योंकि मैं जब तक आप लोगों के साथ ट्रांसपेरेंट नहीं रहूँगा, जब तक मैं आप लोगों का विश्वास नहीं बनाऊँगा, ठीक है। तो ऑस्ट्रेलिया का वीज़ा भी दिखा देता हूँ भाई, मैं इकट्ठे इकट्ठे दिखा देता हूँ आपको, ये ऑस्ट्रेलिया के वीज़ा है आप लोग देख सकते हो, और ये न्यूजीलैंड के हैं, ठीक है। तो मैं आप लोगों को बता दूँ कि कोई भी बंदा अगर ऑस्ट्रेलिया का वीज़ा अप्लाई करना चाहता है या न्यूजीलैंड का, और इस चीज़ में कन्फ्यूज़न है कि इसमें क्या क्या डॉक्यूमेंट मेन होने चाहिए, तो आज की जो ये वीडियो है, पहले तो मैं आप लोगों को बता दूं, बहुत सारे लोग इतने कमेंट में पढ़ता हूं ना, लिखते हैं कि भाई आपका कॉन्टैक्ट नंबर क्या है, कॉन्टैक्ट नंबर क्या है, कॉन्टैक्ट नंबर। भाइयों मैं आपको बता दूं, मेरी 200 रुपये फ़ीस है बात करने की, 10 से 15 मिनट में बात करता हूं, और एक मेरी आप लोगों से हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है कि बात को लंबा मत खींचा करो। ऐसा नहीं है कि मैं जैसे किसी ने 200 रुपये डाल दिए तो फिक्स 10 मिनट ही बात करता हूं, लेकिन फिर भी मैंने देखा है लोगों को 30-30 मिनट बात को खींचते रहते हैं, तो मेरा समय बहुत कीमती है। आप लोगों को ये 10 मिनट मैंने इसलिए दिए हैं कि देखो यार, आपकी कोई क्वेरी है, किसी बंदे को फाइल अप्लाई करनी चाहिए या नहीं चाहिए, या उसको कोई डॉक्यूमेंट में कन्फ्यूज़न है कि भाई सर मेरी फ़ाइल ऐसे है, मैं मुझे वीज़ा अप्लाई कर, तो आप लोग कीजिए बात, लेकिन मेरे हिसाब से 10 से 15 मिनट, चलो मैक्सिमम 15 मिनट है, बहुत होते हैं यार। और दूसरी बात है कि जब कोई पैसा डालता है, जब मैं कॉल करता हूँ, तो भाई थोड़ा सा अपनी बोलचाल में थोड़ा सहनशीलता रखा करो। मतलब कुछ लोगों से मैंने नोटिस किया है कि भाई, अरे भाई आपने फ़ोन मिलाया, कौन बोल रहे हो, किससे बात करनी है, थोड़ा सा देखो, मैं अगर फ़ोन करता हूँ मैं बोलता हूँ कि ब्रदर कौन बोल रहा है, ऐसे ही बोलूँगा मैं, ठीक है। तो मतलब मेरा दूसरी वर्डिंग ये होती है कि भाई आपने 200 रुपये डाले थे, बस थोड़ी सी सहनशीलता रखा करें, ठीक है। अच्छा नहीं लगता यार, मुझे भी थोड़ा दुख पहुंचता है जब कोई इतना रूड तरीके से बात करता है, मैं मतलब उसको फ़ोन करता हूँ। दूसरी बात यह है, मैं आपको बता दूँ, पहले तो मैं, ये मेरा QR कोड है, जिसको भी मुझसे बात करनी है, वीज़ा अप्लाई करना है, कुछ भी करना है, 200 रुपये फ़ोन पे डालकर इस बॉक्स में आपको नंबर छोड़ना है। मैं आज फिर बता दूँ, मैं डेली बोलता हूँ कि अभी तक जिसने पैसे डाले हों मेरी उससे बात नहीं हुई, ये वाली मेल ID है, इस पे आप स्क्रीनशॉट भेज दो और अभी के अभी भेज दो, ठीक है, मैं आप लोगों से बात कर लूँगा। अभी ये तो हो गया ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड वीज़े, अब मैं आपको बता देता हूँ, मोटा मोटा बता देता हूँ कि किन बंदों को ऑस्ट्रेलिया या कनाडा या न्यूजीलैंड या UK या किसी भी कंट्री का वीज़ा है वो अप्लाई करना चाहिए या नहीं चाहिए, मैं आपको बता दूँ। देखो नंबर पहला है कि चलो पासपोर्ट तो सभी के पास होता है, लेकिन वैलिडिटी उसकी अच्छी होनी चाहिए, कम से कम मान लो आप एक बड़ी कंट्री का वीज़ा लगा रहे हो तो कम से कम यार ऐसा ना हो कि 6 महीने की या 7 महीने की या 1 साल की वैलिडिटी बची हो, क्योंकि आपका बड़ी कंट्री का वीज़ा उसी पासपोर्ट पे लगेगा। तो कोशिश करना कि अगर आपके पासपोर्ट की वैलिडिटी ख़त्म होने वाली है तो रिन्यू करा के जो बड़ा वीज़ा है उसी पासपोर्ट पे लो, ठीक है, वो आगे आपको काम आएगा।
नंबर दूसरा है आईटीआर। आईटीआर में बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न है, बहुत सारे बच्चों के मेरे पास कॉल आ रहे हैं कि सर हम इस बार टैक्स भर दें। भाई मैंने एक वीडियो बनाया था जिसमें मैंने वाकई में ये चीज़ बोली थी कि 5 लाख तक की जो भी लोग आईटीआर भरते हैं आगे आने वाले समय में एम्बेसी इन चीज़ों को कंसीडर नहीं करेगी, यानी कि 5 लाख तक से कम जो आईटीआर भरते हैं उनकी एम्बेसी उनको लो कैटेगरी में डालेगी, यानी कि इसकी इनकम कोई ज़्यादा नहीं है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप लोग टैक्स ही भरे जा रहे हो, नहीं भाई। आपको ठीक है अगर किसी के पास इतना बिजनेस है कि आप टैक्स भर सकते हो तो भरो आप, लेकिन ऐसा नहीं है यार। कल मैंने एक लड़के ने मुझे अपनी आईटीआर भेजी, मैंने उसको पूछा कि भाई आपने जो ये 35,000 रुपये टैक्स भरा है कहाँ से भरा है? बोला सर मैं करता तो कुछ नहीं हूँ लेकिन मैंने आपकी वीडियो देखी और 35,000 रुपये टैक्स भर दिया। मेरे को बड़ी शर्मिंदगी हुई यार, मतलब मैंने क्या कर दिया, मतलब मेरी वीडियो बना। भाई अभी भी वक्त है, समझने की कोशिश किया करो, बात को पूरा समझो, बच्चों वाली हरकतें मत करो। आप किसी कंट्री का वीज़ा अप्लाई करने जा रहे हो, ये जो बातें मैं आपको बता रहा हूँ कोई भी एजेंट नहीं बताएगा, वो आपको भी पता है क्यों नहीं बताएगा, ठीक है। वो जानबूझ के आपको कॉम्प्लिकेटेड केस बताते हैं, इजीली चीज़ें नहीं बताते हैं। मैं आने वाले दिनों में सारी वीडियो ऑनलाइन डाल दूंगा कि वीज़ा कैसे अप्लाई होता है, आप लोग खुद अप्लाई कर सकते हो। अगर मेरी हेल्प चाहिए, मेरी नाम मात्र की फ़ीस है, बिल्कुल भी नाम मात्र की, वो भी मैंने कुछ बच्चों से ली नहीं है, मैं कोई एजेंट नहीं हूँ। वो अलग बात है कि मैंने एक लाइसेंस अप्लाई कर दिया है, वो सिर्फ मेरी सेफ्टी के लिए कि भाई कल को कोई दिक्कत ना हो जाए, ठीक है। तो ऐसी बात नहीं है, हमारे पास पूरा सिस्टम है, अपना लाइसेंस बन के आने वाला है 1-2 दिन में, ठीक है। चलिए अब मैं बात कर रहा था कि उस बंदे ने 35,000 टैक्स भर दिया मेरी वीडियो देखकर। भाई ऐसे मत करो, जिस बंदे की एक्चुअल में पैसा कमाई कर रहा है और उसको 10-20,000 टैक्स भरने से 35,000 टैक्स भरने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, अगर आप लोग कुछ नहीं कर रहे हो और 35,000 उसने टैक्स भरा, उस लड़के ने उसने आईटीआर भरी आई थिंक 6 लाख के आसपास, पता नहीं 6 के पार की आईटीआर भरी, अच्छी बात है, चलो उसने टैक्स भर दिया। लेकिन ऐसा नहीं है कि आप अपनी मेहनत की या अपने घर वालों की कमाई टैक्स में लगा रहे हो, ऐसा नहीं है, ऐसा वीज़ा नहीं मिलता है। एम्बेसी वीज़ा दे देगी, आपकी फाइल अच्छी होनी चाहिए, आपके अंदर जो स्टेटमेंट होती है ना, जो लेन देन की होती है, वो लेन देन सही होनी चाहिए। अब मैं आपको, बहुत सारे लोग हैं जो कन्फ्यूज़न में रहते हैं कि लेन देन कैसे सही होती है, मैं आपको बता दूँ। देखो आज मेरे अकाउंट में 5,000 आ गए, 4,000 आ गए, 7 आ गए, 9 आ गए, 10 आ गए, तो डेली पिछले 6 महीनों से ऐसे चलता आ रहा है। तो ये सेट करता है कि इस बंदे की जो ट्रांजैक्शन है, इसका जो बिजनेस है, वो वाकई में एक लय में चल रहा है। ऐसा नहीं है कि मेरे पीछे तो ट्रांजैक्शन 5, 10, 7, 8 से हो रही है, जब मैं वीज़ा डाल रहा हूँ तब एकदम से मैंने 50, 70, 80, 90, ये ट्रांजैक्शन जब आपके अकाउंट से मैच नहीं करती है तो वीज़ा ऑफिसर को लगता है कि इसने कुछ गलत किया है, ये गलती नहीं करनी। अगर आज एक दिन में 2-2 हज़ार करके आपके अकाउंट में 5 से 7 एंट्री आ रही है तो इसको ऐसे ही चलने दो, ठीक है। ऐसा नहीं है कि आज आपके अकाउंट में ऐसी एंट्री हो रही है और एकदम से आपके इतने एंट्री कर दी, इसको बोलते हैं ट्रांजैक्शन का मैच नहीं करना, ठीक है। आईटीआर हो गई, समझ आ गया, पासपोर्ट हो गया, आईटीआर हो गई। तीसरा आता है बिजनेस प्रूफ। बहुत सारे लोगों के पास ये डॉक्यूमेंट नहीं होता है, नौकरी नहीं होती है, ज़्यादातर किसान भी हमारे भाई हैं जो एग्रीकल्चर करते हैं। देखो आप किसानी के साथ साथ कोई ऐसा बिजनेस शुरू कर लो, डॉक्यूमेंट के अंदर कर लो, चाहे बहुत सारे लोग क्या कर रहे हैं, आप मेरे पास डेली लोग आते हैं जो कि अपने दोस्तों की कंपनी में सैलरी डलवा रहे हैं, ये भी एक अच्छा तरीका है। मैं आपको एक चीज़ बता दूं, आप हैरान हो जाओगे, पता नहीं ये चीज़ कितनी सही है कितनी नहीं, लेकिन ये मेरा एक्सपीरियंस है। मैंने आज तक जितने भी 6 महीनों से मैं ये काम कर रहा हूँ, जो बंदे जॉब करते हैं ना और जॉब भी अच्छी सैलरी है उनकी, 50,000 या 40,000 सैलरी है, उनको वीज़ा उस बंदे के बनिस्पत ज़्यादा मिलता है जो बंदा एक बिजनेस कर रहा है। मतलब आज मैं एक बिजनेसमैन हूँ, मेरा भाई एक जॉब करता है, ठीक है। अगर दोनों की प्रोफाइल सेम है तो एम्बेसी किसको वीज़ा देगी? जो बंदा मंथली जॉब करता है। अब मैं आपको एक एग्जांपल दे देता हूँ, मान लो मैं एक बिजनेसमैन हूँ, मेरा भाई एक जॉब में है, ठीक है। तो अगर हम दोनों ही वीज़ा अप्लाई करेंगे, सेम प्रोफाइल होगी, यानी कि बाकी सब सेम होगा, बैंक बैलेंस सेम होगा, और एक बंदा जॉब कर रहा है और एक बंदा बिजनेस कर रहा है, तो एम्बेसी वीज़ा मतलब वैसे तो दोनों को ही दे देगी, लेकिन अगर हम कंपैरिजन करें कि चांस किसके ज़्यादा हैं, तो चांस हमेशा ही याद रखना, जो बंदा एक सैलरीड पर्सन होता है, एम्बेसी उसको ज़्यादा वीज़ा देती है, यानी कि उसको ज़्यादा प्रेफर कंसीडर करती है, तो ज़्यादा प्रेफरेंस उसी को मिलती है जो एक स्टेबल जॉब में होता है। उसका मतलब ये होता है एम्बेसी को लगता है कि भाई बिजनेस वाले बंदे का तो क्या है कि भाई कभी बिजनेस अप होता है कभी डाउन होता है,
जो सैलरीड पर्सन होता है ना, वो बंदा एक सैलरी फिक्स होती है उसकी, उसका महीने के दिन उसकी सैलरी आएगी आएगी। और दूसरी बात है, वो किसी भी डिपार्टमेंट में जॉब कर रहा है तो वो वहाँ पर अपनी योग्यता दिखा रहा है या अपने अपनी स्किल दिखा के, अपना मतलब कहने का मतलब है कि अपनी कंट्री को, हालांकि दोनों ही बंदे अपनी इकोनॉमी को ग्रोथ करने में हेल्प कर रहे हैं कंट्री को, लेकिन फिर भी मैं आपको एक अंतर बता दिया है। कोशिश ये करना कि अगर दोनों ही चीज़ें, जैसे मान लो एक बंदा बिजनेस दिखाना चाहता है डॉक्यूमेंट में, तो कोशिश ये करना कि कोई सैलरी मान लो वाला सिस्टम कर लेना, अगर करना ही है तो, है ना। वैसे तो सही चीज़ से ही वीज़ा लेना चाहिए, बट अगर आप करने पे ही आ गए हो भाई, अगर सैलरी डलवा सकते हो अपने किसी दोस्त की कंपनी से तो डलवा सकते हो, ठीक है। उसके बाद आता है बैंक बैलेंस कितना होना चाहिए। देखो भाई, बहुत सारे एजेंट मेरे से, बच्चों से मेरी डेली बात होती है, तो बहुत सारे बच्चे बोलते हैं कि आज हमें एजेंट ने बोला है 18 लाख आपको अकाउंट में रखना है, 20 लाख रखना है, 15 लाख। भाई नहीं, आप लोगों को खुद आप एम्बेसी की वेबसाइट पर जाकर चेक कर सकते हो। न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया का वीज़ा अगर आपको अप्लाई करना है तो उन्होंने अपनी साफ साफ अपने, जब उनका वीज़ा अप्लाई करते तब भी वो यही बोलते हैं कि भाई जितने दिन आप प्लान बना रहे हो, मान लो आपने 10 दिन का प्लान रखा है घूमने का, तो मेरे हिसाब से आपके अकाउंट में 3 लाख 3.25 लाख रुपए बैलेंस होगा तो वो इनफ होगा। ज़्यादा बैलेंस रखने की कोई ज़रूरत नहीं है। मेरा खुद भाई 2,16,000 पर वीज़ा आया था यूके का, और स्विट्ज़रलैंड का मेरा वीज़ा आया था 2,06,000 पर। तो ऐसा नहीं है कि पैसा देखकर वीज़ा देती है एम्बेसी, ठीक है। अगली बात है कि अगर आप लोगों के पास कुछ ट्रैवल हिस्ट्री है तो आप लोग, आपका वीज़ा आने के चांस बढ़ जाते हैं। जो फ्रेश पासपोर्ट वाले हैं, वीज़ा तो देखो भाई अभी उनका भी आ रहा है न्यूजीलैंड का, लेकिन ऑस्ट्रेलिया ऐसे वीज़ा नहीं देता है। न्यूजीलैंड के वीज़े अभी फ्रेश पासपोर्ट पे आ रहे हैं, लेकिन मैं आपको फिर बता दूं, अगर आपके पास थोड़ी बहुत ट्रैवल हिस्ट्री है तो आपके वीज़ा आने के चांस और बढ़ जाते हैं। तो कोशिश करना कि आपके पास थोड़े बहुत 2-3 देश घूम लो पहले, 3-4 कंट्री, फिर आप ऑस्ट्रेलिया का वीज़ा अप्लाई करो, न्यूजीलैंड का करो, तो ताकि आप लोगों का रिफ्यूज़ल ना आए, ठीक है। बस भाई यही पॉइंट है, आपका पासपोर्ट, आईटीआर, बिजनेस प्रूफ और बैंक बैलेंस और एक ट्रैवल हिस्ट्री, ठीक है। ये अगर डॉक्यूमेंट आपके पास है, और एक बात बता दूं, अगर कोई सैलरीड पर्सन है तो आपको अपने डिपार्टमेंट से एनओसी लेटर लेना पड़ेगा, जो कि बहुत प्रॉब्लम आती है बच्चों को। और एक बात बता दूं, जो भी बंदे ये वीडियो मेरी आउट ऑफ इंडिया देख रहे हैं, सिंगापुर से देख रहे हैं, यूके से देख रहे हैं, किसी भी कंट्री से देख रहे हैं, कल मेरे को न्यूजीलैंड से भी कॉल आए, न्यूजीलैंड वाले बच्चे बोल रहे थे कि हमें ऑस्ट्रेलिया का वीज़ा लेना है। तो जो न्यूजीलैंड पहुंच चुके हैं उनके लिए एक आसान मौका है ऑस्ट्रेलिया का वीज़ा लेना। वो मैं कवर लेटर एक ऐसा बना दूंगा, वो कवर लेटर के अंदर पूरी कहानी होती है। अगर आप लोगों का कवर लेटर अच्छा है, मैं क्यों दबाव देता हूं कवर लेटर पर, जिस बंदे का कवर लेटर अच्छा होगा एम्बेसी उसको वीज़ा दे देगी, क्योंकि एम्बेसी बाकी की फाइल चेक ही नहीं करती है। अभी इंडिया में इतने ज़्यादा वीज़े अप्लाई हो रहे हैं, एम्बेसी आपका कवर लेटर ही पड़ेगी। अगर कवर लेटर के अंदर कुछ दम हुआ तो आपको वीज़ा मिलेगा, अदरवाइज एम्बेसी आपका वीज़ा डिक्लाइन करके साइड में लगा देगी, बाकी के डॉक्यूमेंट आपके चेक तक नहीं करेगी। ये हकीकत है भाइयों, जिनको ये समझ आ गया तो ठीक है। कुछ लोग कहते हैं कि कवर लेटर ज़्यादा बड़ा नहीं होना चाहिए, मैं मानता हूँ आपकी बात। कोशिश करो कि कवर लेटर में हर पॉइंट को कंसीडर करो, छोटे छोटे पॉइंट बना दो, कम से कम, ज़्यादा बड़ा नहीं तो 4 से 5 पेज का कवर लेटर जरूर बनाओ, नहीं तो 4 पेज का तो बनाओ ही बनाओ, ठीक है। तो भाई वीडियो लंबा नहीं करते हैं, अगर वीडियो अच्छा लगा हो, मैं इसके बाद एक वीडियो और बनाऊंगा जिसमें मैं कुछ चीज़ें रह गई हैं कि ये रिफ्यूजल क्यों आया, क्योंकि ये वीडियो अभी लंबा हो रहा है, तो इसके बाद एक वीडियो और आएगी। प्लीज़ आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और अगर मुझसे बात करना चाहते हो तो 200 रुपये आप फोन पे डालकर आप अपना नंबर इस बॉक्स में छोड़ सकते हो, मैं आप लोगों को कॉल कर लूँगा, ठीक है भाइयों। तो जय हिंद, वंदे मातरम।